दिल्ली में सरिता विहार के पास ताज एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई है। इस आग की चपेट में ताज एक्सप्रेस की 4 बोगियां आ गई है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है और तमाम जानकारियां आनी बाकी है। लेकिन शुरुआती जानकारी ये देखिए, ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है ये भयावह है। किस तरह से जो 4 बोगी हैं उनमें जबरदस्त आग लगी हुई है, आग की लपटें ऊंची ऊंची आप देख सकते हैं और सभी यात्री सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो ये एक राहत की बात है, ये एक राहत है। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे ही इस जलती हुई ट्रेन को वहां पर आसपास के लोग देखते हैं, आप हॉर्न की आवाज भी आप यहां पर सुन रहे होंगे कि किस तरीके से वहां पर एक अफरा तफरी, एक हड़कंप सा जो बबाहा वो मच जाता है जब इस जलती हुई ट्रेन को लोग वहां पर देखते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, राहत की बात ये कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उस ट्रेन के भीतर से निकाल लिया गया है। वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं और तारिक खान साहब का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। तारिक खान साहब, ये इतना एग्जिट पोल, कभी ईवीएम आ जाता है, कभी एग्जिट पोल पर आप लोग सवाल उठाने लगते हैं, कभी मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं, कभी संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, ये क्या है? वो तो कह रहे हैं कि भैया आपने हमको लापता जेंटलमैन बता दिया, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मीम्स आ रहे हैं। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए कि जब चुनाव आयोग पे सवाल उठता है, कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम में टैंपरिंग हो सकती है, तो चुनाव आयोग तुरंत आ गया ईवीएम लेके कि आओ इतनी बजे आओ टेस्ट कर लो, फिर सवाल उठाए गए तो आप उसका जवाब दे दीजिए। और क्या पहली बार सवाल उठाए गए? 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने 2009 से 2014 तक कैंपेन किया ईवीएम के खिलाफ, कैंपेन नहीं किया, इनके सांसद जिनका नाम है JVL नरसिम्हा, उन्होंने एक किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना खुद आडवाणी साहब ने लिखी और उस प्रस्तावना में लिखा कि 1000 कमियां ईवीएम में है। एक सेकेंड, हम अगर ईवीएम की कुछ कमियां बता रहे हैं या चुनाव आयोग की कमियां बता रहे हैं, या तो ये मान लें कि तब आडवाणी साहब गलत थे तो हम अभी कह लेंगे कि हम गलत हैं 100%। बीजेपी कह रहे कि तब आडवाणी साहब गलत थे अगर उन्होंने चुनाव आयोग या ईवीएम पे सवाल उठाए थे, या ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं या उनके ऊपर संदेह की नजर से देखा जा रहा है। क्या तब आडवाणी साहब ने नहीं किया था? और अगर किया नहीं, पहले तो मैं साबित कर दूं कि किया था, आप इसको सर्च कर लीजिए, विद्वान लोग बैठे। अच्छा, और या तो मान ले बीजेपी की आडवाणी साहब गलत थे, तो मैं अभी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से कह दूंगा कि सिद्धार्थ जी को लीजिए, वो जवाब देंगे, फिर चंद्र प्रकाश जी में आऊंगी। सिद्धार्थ जी, देखिए हिमानी जी, कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार, नेहरू जी लाइसेंस राज लेकर के आए थे देश में, तो क्यों कांग्रेस पार्टी बाद में प्राइवेटाइजेशन कर रही थी? ये जिस एक बात पर ईवीएम का एक बहाना बनाते, अडवाणी जी ने ऐसा कहा और जीवीएल साहब की ऐसी किताबें रोज सुन रहे हैं हम डिबेट में, उसके बाद आप लोग 40 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, 40 बार हर टेस्ट से ईवीएम गुजर चुकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी, इलेक्शन कमीशन ने आपको बुला लिया, आप वहां पे पहुंचे नहीं, ईवीएम के साथ वीवीपैट आ गया, वीवीपैट का मिलान आ चुका, कितना डेवलपमेंट हो चुका ये धीरे आदिकाल में। अरे ऐसा हुआ था, उसने कहा था तब ना वीवीपैट था ना कुछ। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे सिद्धार्थ जी, पर कुछ भी कह के सुनिए ना सिद्धार्थ जी, आप रुक जाइए, तारिक खान साहब आप हमेशा हिस्ट्री में ही रहते हैं, थोड़ा प्रेजेंट में भी आइए ना। मैं क्या कह रही हूँ कि अखिलेश यादव, एक सेकंड सिद्धार्थ जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये दरअसल जो एग्जिट पोल्स जो है ना, ये आप अपने पक्ष में माहौल, एक नैरेटिव आप लोग दरअसल गढ़ रखे हैं इसके जरिए, और जाते जाते आप लोग शेयर बाजार का भी लाभ उठाना चाह ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने देखिए पूरे चुनाव में आपने क्या किया, आप हमें कह रहे हैं कि नेगेटिव आपने राजनीति की, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, परिवारों को आपस में लड़वा दिया, दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया, इस तरह के तमाम आरोप भी अखिलेश यादव लगा रहे हैं। मैं तो हिमानी जी आपके चैनल से अखिलेश जी को एक सलाह देता हूं, अगर उनको इतना ही पता है तो शेयर बाजार में वो भी लगा देते पैसा, उसमें तो किसी ने नहीं रोका था ना। भाजपा के पक्ष में अगर एग्जिट पोल आ रहा है और शेयर बाजार ऊपर चढ़ रहा है तो उसमें पैसा लगा दो, आप भी कमा लेते 4 रुपये, ये कैसी बातें हुई? पर जो लोग बुखार उतारने के लिए 650 की दवाई से नहीं उतरता, 500 mg से उतरता है, ये बातें करते उनको क्या समझाया जाएगा? और किसी के परिवार में हमने कलह नहीं करवाई, ये परिवार इस लोकतंत्र की कला के कारण है। अगर ये पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं हो सकती तो देश में लोकतंत्र कैसे होगा? हमने आपके मंचों पर चाचा जी के बीच में, पिताजी के बीच में, बेटा जी के बीच में धक्का मुक्की करवाई थी क्या? हमने करवाई? ये आप लोग मात्र परिवारों के चंगुल में पार्टियों को रखना चाहते हैं और बात करते हैं समाजवाद की और उसके बाद कहते हैं कि देश में लोकतंत्र चाहिए, पहले पार्टी ले लेती हूं। तारिक खान साहब से तब एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है, संजय जी का, वो कह रहे हैं कि शेयर बाजार के पक्ष में आप ये कह रहे हैं।
एक बात को याद रखिए, एक बात को हमेशा याद रखिए कि बगैर इतिहास के हिंदुस्तान की राजनीति कंप्लीट नहीं होगी, और इतिहास के पन्ने हमेशा पलटे जाएंगे जब हमारे ऊपर आरोप लगाया जाएगा। आपने एक बार नहीं कहा समाजवादी पार्टी का इतिहास भी खोला जाएगा, एक बार भी किस चीज के लिए? आज अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल पे, इलेक्शन पे, आप इतिहास वो कब की बात करना चाहते हैं, अपने बाबा आदम के जमाने की? रिलेटेड है ना, अरे बात करिएगा उसकी। अभी आपके सामने सवाल है कि आप इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप इस देश का के साथ जो कर रहे हैं 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी आपकी पार्टी करती थी, वो राज आप फिर से लाना चाहते हैं, वो जंगल राज आप लाना चाहते हैं, वो अराजकता लाना चाहते हैं आप। जंगल राज के बहन देखिए, अभी आप आज में जीए, आज में जीए। गए नेताजी जो कहते थे कि लड़के लड़कों से, सुनिए ना खान साहब, अरे खान साहब सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा खान साहब, बार बार परीक्षा में अगर आप फेल हो जाएं तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि कहां पर आपसे गलती रह गई, कहां आपने पूरा सिलेबस अपना नहीं किया था, उस तरह की तैयारी आपकी नहीं थी, या आप कहेंगे कि वो बगल वाला उसने मेरे को अपने मतलब, या वो कहेंगे कि मतलब उस पर हार का ठीकरा आप फोड़ देंगे अगर एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं यही नतीजे भी कल आते हैं, यही नतीजों में भी तब्दील होते हैं, तो आप कम से कम मंथन करेंगे ना, चिंतन मनन करेंगे कि भैया कहां गलती रह गई, या दूसरे पे ही हर बार ठीकरा फोड़ते रहेंगे, कभी ईवीएम पर, कभी मीडिया पर, कभी एग्जिट पोल खराब है, ये फैंटेसी पोल है, और ना जाने क्या क्या। अगर अगर हम हारेंगे 22 में, हम हारे, हमने हार स्वीकार की, हम विपक्ष में बैठ के इनसे सवाल पूछ रहे हैं, कल नतीजे आने दीजिए, हम हारेंगे, हम खुद स्वीकार करेंगे आपके सामने बैठ कर कि हम हार गए, मगर अगर कुछ सवाल है उसके जवाब ये चंद्र प्रकाश साहब नहीं, मुंह से नहीं निकल पा रहा है कि आडवाणी साहब गलत है। धन्यवाद खान साहब, आपने कहा तो कि कल हारेंगे, हार जाएंगे तो मान लेते हैं, आज ही आप चाहते हैं कि मान ले, कल तक नतीजों का तो इंतजार करें, साधुवाद देता हूँ, कल तक के नतीजों का तो इंतजार कर लीजिए, ये एग्जिट पोल ही नतीजे है, या तो ये कह दीजिए तो मान लेते हैं हम, जब आप लोग यही चाहते हैं कि यही रियल नतीजे, हर तरफ यही बात हो रही है कि नतीजे हो गए, हार जाएंगे तो स्वीकार कर लेंगे, क्या करना है ये तक बात हो रही है, तो वो तो सिद्धार्थ जी की पार्टी तो तैयारी भी शुरू कर चुकी है, आप देखिए बैठकों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है, उन पर भी मैं आऊंगी। हाँ। नीतीश जी भग गए, कल जाने वाले थे, आज चले गए, 6 बजे की फ्लाइट है, तो ये क्या हुआ ये देखिए जरा, कहीं वापस संजय जी को मिल लीजिए जरा उन्हें, भाई जो नीतीश कुमार जी को कल जाना था, शाम को जाना था, प्रधानमंत्री जी से मिले, बिना अमित शाह से मिले, चल दिए, आज शाम को 6 बजे, ये क्या हुआ? अभी 4 बजे का वक्त उन्होंने मांगा, 4 बजे का वक्त मांगा था, लेकिन 6 बजे की फ्लाइट की टिकट करा लिया, लेकिन मान जी देखिए क्या है देश का दुर्भाग्य, ये कह रहे अभी चंद्रमोहन जी कि भाई आप उनकी बात मत करो, आडवाणी जी की इतिहास की बात कहा, उत्तर दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नेहरू की बात करते करते 10 साल जी ने उत्तर दिया, आपको नेहरू की बात दी है भारतीय जनता पार्टी ने, अरे इंदिरा ऐसा, नेहरू ऐसा, इंदिरा ऐसा, उत्तर दिया आपको सुनाई नहीं दिया, पटेल होते तो ये होता, वो होते तो ये होता, नरेंद्र मोदी जी होकर के क्या करेंगे, कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बताया, 10 सालों में नहीं बताया, इस चुनाव में भी नहीं बताया कि अगले 5 साल का मेरा क्या जानना चाहते हैं, क्या अब सिद्धार्थ भाई बैठे हैं तो स्वाभाविक है उस विजन को यहाँ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी का निर्माण तो करना है, क्या आपको बताना तो है कि हमें क्या करना है।